सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। बलरामपुर में लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अभियान का शुभारंभ किया। नवरात्रि के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश सरकार ने नारी सुरक्षा नारी सम्मान के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर में प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति का भव्य शुभारंभ किया। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिन्ना समर्थक को कांग्रेस ने विधानसभा टिकट देकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हत्या के मामले में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीलीभीत में रोडवेज बस और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, करीब 30 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। भदोही में 20,000 रुपए घूस लेने के मामले में महिला कर्मचारी की डीएम ने निलंबित कर दिया। डीएम ने कार्रवाई वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए की। बुलंदशहर में 2 युवकों से मामूली काजोनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर एसिड अटैक कर दिया। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, 2 युवक घायल, गंभीर हालत में युवक हायर सेंटर रेफर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इटावा में अनियंत्रित होकर पलटने से बची बस, बस की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल, घटना के बाद चालक और कंडक्टर मौके से फरार। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल, महिला सिपाही से मोबाइल छिनती कर भाग रहा था बदमाश। 3 दिन में 42 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लगी भीड़। नवरात्र में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का है बहुत महत्व। मंदिरों और घरों में मूर्ति और कलश की स्थापना के साथ पूजा पाठ की विधिवत शुरुआत।